बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती ही है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। ये बात कही है पूर्व रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने। दरअसल पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने एक वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा को लेकर बड़ा दावा किया, जिसको लेकर अब बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को जवाब दिया है। उन्होंने अपने एक लंबे ट्वीट में लिखा कि एक कहावत है, जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, ऐसी बात ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पति देव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी, उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री पर और देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी। लेकिन मैं धरने प्रदर्शन के शुरुआत से ही पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उनके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी और अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। बबीता फोगाट ने आगे लिखा कि बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती ही है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। हालांकि ये वॉर यही नहीं थमी। बबीता के ट्वीट पर साक्षी मलिक ने भी ट्वीट कर जवाब दे ही दिया। अपने ट्वीट में साक्षी मलिक लिखती हैं, वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हास्य बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाएं। अब चलिए आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिर साक्षी मलिक ने जो वीडियो जारी किया था उसमें क्या कहा था। सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही दो लीडर्स ने ली थी, उसका प्रूफ है हमारे पास। उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया।